फिरोजाबाद साइबर अपराध पुलिस टीम फिरोजाबाद द्वारा लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, बैंक मोहर, पैम्पलेट, लोन संबंधी फॉर्म, 3 मोबाइल फोन और 31,000 रूपए नकद बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद सौरभ दीक्षित के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर अपराध प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक गौरव शर्मा ने मैं टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 3 अदद मोबाइल फोन, 31,500 रूपए नकद, लोन के फर्जी फॉर्म, पैम्पलेट और 8 फर्जी आधार कार्ड, 7 फर्जी बैंक पहचान पत्र व अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजू कुशवा द्वारा थाना उत्तर पर तहरीर दी गई थी। 29 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैन मंदिर के पास से दो युवकों द्वारा लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए हमारे मोबाइल से 50,000 रूपए का फ्रॉड कर लिया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना उत्तर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें थाना साइबर अपराध पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विभिन्न जनपदों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बुलंदशहर, एटा, मथुरा आदि में फर्जी पैम्पलेट चस्पा कर बांट कर प्रचार प्रसार करते हैं और इस तरह जो ठगी का पैसा मिलता है उसे आपस में बांट कर खर्चा करते हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये साइबर थाना पुलिस एवं उत्तर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं युवराज, मनीष एवं रोहित। युवराज इसमें BBA पढ़ा हुआ है और बैंकिंग के बारे में उसे पूरी जानकारी है। ये लोग ऐसा करते थे कि पहले ये अपना एक पंपलेट छपवा करके उसे आसपास के जनपदों में फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा में वितरित करते थे, जिस पर उनके अपने मोबाइल नंबर्स भी होते थे। जब उसमें लोन के लिए जब उनको लोग कॉल करते थे तो उससे बात करके व्हाट्सएप पे उनके सारे डिटेल्स मंगवा लेते थे, फिर उन्हें बुलवाते थे, बैंक के आसपास ले जाते थे, उनका KYC वेरिफिकेशन के नाम में मोबाइल नंबर भी ले लेते थे और ये भी कहते थे कि आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका 20% आपको अपने अकाउंट में रखना जरूरी है। इस तरह से करके जब उनका सारा डिटेल से प्राप्त कर लेते थे तो ये कहीं भी जन सुविधा केंद्र से या अन्य किसी ATM से उनके पैसे निकाल लेते थे, क्योंकि इसी दौरान उनके ATM के पिन और OTP भी ले लेते थे। हमारे यहाँ राजू कुशवाह हैं, जो कि 29 जनवरी को उनके साथ में SBI बैंक से 50,000 का फ्रॉड हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट की थी तो हमारी टीम उस पर काम कर रही थी और उस केस को उन्होंने वर्कआउट किया, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल फ़ोन, लोन फॉर्म तथा जो ये प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट्स छपवाए थे वो सारी चीज़ें भारी मात्रा में बरामद हुई हैं और इनका एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा जो इन्होंने फ्रॉड इनके साथ में किया था उसमें 31,500 रुपये की बरामदगी की गई है। इस इनके पूरे नेटवर्क का हम लोग पता लगा रहे हैं। ये 3 सिकंदरा थाना आगरा के रहने वाले हैं। अन्य जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कराएंगे। सर, अभी तक इन्होंने कितनी घटनाएं कबूली हैं? तो अभी तक जो इनसे हम लोग को जानकारी मिली है उससे करीब 3 से 3.5 लाख रुपये तक इन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। फिर भी अभी हम इनसे पूछताछ किए रहे हैं, इनके हम और भी जितने भी ठिकाने हैं उन पर भी हम सर्च करा रहे हैं। जो भी हमें जानकारी मिलेगी उसको हम विवेचना का पार्ट बनाएंगे, उस बेसिस पर हम विवेचना को अंतिम रूप देंगे। क्या कोई और भी इनका तरीका होता था सवाई लोन के फ्रॉड करने का? अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये लोन दिलाने का लालच दे करके लोगों से डिटेल्स प्राप्त करते थे और उनके साथ में फ्रॉड करते थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।